सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, ये एक म्यूचुअल फंड के अंदर में ऐसी कैटेगरीज है जिसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जहाँ तक औरों की बात की जाए, जैसे मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, तो इन सभी से सेफ माना जाता है लार्ज कैप कैटेगरीज को। अब क्यों इस लार्ज कैप कैटेगरीज को सेफ माना जाता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लार्ज कैप किन किन लोगों के लिए बेहतर है, यहाँ पे आप जो पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा का सारा पैसा आपका कैसी कंपनी के अंदर में जाता है, किस किस कंपनी के अंदर में जाता है, यहाँ पे आपको कितना रिस्क देखने को मिलता है, किस एज में आपके लिए लार्ज कैप कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं, सभी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में दूंगा। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को वारिस द फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम बात करते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है। लार्ज कैप में जो पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो पैसा हमारा कितना तेजी से परफॉर्मेंस करता है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीज यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये लार्ज कैप की जो कैटेगरीज है वो एक इक्विटी के अंदर में आती है। इक्विटी मतलब कि जो भी पैसा इक्विटी में आ गया है वो सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि किसी न किसी कंपनी के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप वाले जो भी कंपनी होंगे वहां पे पैसा जाएगा। अब ये लार्ज कैप वाले कंपनी होते कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे सेबी के मार्केट रैंकिंग के बारे में। ये दोनों चीज को आप सब देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लार्ज कैप क्या होता है। अब देखिए कि यहाँ पे भी ना काफी सारे कंपनी हमें देखने को मिलता है, और सबके ऊपर कौन बैठा हुआ है, ये सेबी बैठा हुआ है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि सेबी क्या है, ये स्कूल का एक प्रिंसिपल है, ठीक है। और ये यहाँ पे जितने भी कंपनी आपको देखने को मिलते हैं वो सभी उस स्कूल के बच्चे हैं। अब प्रिंसिपल के अंडर में सारे बच्चे हैं। अब प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि कौन सा बच्चा किस लायक है, कौन पढ़ने में ज्यादा तेज है, कौन कितने काबिल है, उस हिसाब से उसको अलग अलग चीज प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि आप ये कहिए, जैसे ने पहले भी एग्जाम्पल दिया है रोल नंबर का, तो यहाँ पे भी आप वही रोल नंबर का एग्जाम्पल लेके चलिए। तो यहाँ पे सेबी ने हर एक कंपनी को अलग अलग रोल नंबर दिया है। अब लार्ज कैप सबसे स्टैंडर्ड कैटेगरीज होती है, यानी कि आप ये कहें कि जो बच्चे पढ़ने में टॉप है उन सभी को लार्ज कैप के अंदर में रखा जाएगा। तो यहाँ कंपनी की बात है, तो जो कंपनी टॉप है यानी कि सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है उसको यहाँ पे रखा जाएगा। देखिए, लार्ज कैप में अगर हम मार्केट रैंकिंग की बात करें, जैसे कि स्कूल में रोल नंबर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे मार्केट के लिए मार्केट रैंकिंग होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं। तो लार्ज कैप में आने के लिए जिस कंपनी की मार्केट रैंकिंग 1 से लेकर के 100 के बीच में होती है, वैसी कंपनी को हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। और अगर आप लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका सारा पैसा जो है वो 1 से लेकर के 100 रैंकिंग वाले कंपनी के अंदर में ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके आगे आपके पैसे को नहीं इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वरना वो मिड कैप कैटेगरीज के अंदर में आ जाता है। तो लार्ज कैप के अंदर में ऐसी कंपनी के अंदर में आपका पैसा जाएगा जो सबसे बड़ी है और सबसे बढ़िया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको ये चीज कैसे मिला है, उसको हम देखेंगे मार्केट कैप या फिर ये कहिए कि मार्केट वैल्यू के मुताबिक। अब ये क्या चीज होती है, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने में जितना तेज होते हैं उस हिसाब से उसको रोल नंबर दिया जाता है। अब यहाँ पे ना कुछ अलग है, यहाँ पे जो कंपनी जितनी बड़ी होगी, जितने पैसे की होगी, उस हिसाब से उसको रैंकिंग दी जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू 20,000, ठीक है, 20,000 करोड़ से ऊपर का हो, ठीक है, 20,000 करोड़ से ऊपर का, नीचे का नहीं, 20,000 करोड़ से ऊपर का उस मार्केट का वैल्यू, उस मार्केट का कैपिटलाइजेशन हो जाता है, वैसी कंपनी को हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गया। ये डाटा कब का है, ये डाटा साल 2017 से पहले का है। ये हम लोग अपने में एक विचार बनाए कि ऐसी कंपनी को हम लार्ज कैप कंपनी कहेंगे। लेकिन अब 2017 के बाद यहाँ पे सेबी आती है, सेबी एक रूल लेकर के आती है कि जो भी कंपनी 48,000 करोड़, ठीक है, ये यहाँ पे बढ़ा दी है इस चीज को, 48,000 करोड़ के ऊपर चली जाएगी वैसी कंपनी को ही हम लार्ज कैप कहेंगे। तो आज के वक्त में आप अगर लार्ज कैप के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका पैसा वैसी कंपनी के अंदर में जाएगा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,000 करोड़ से ऊपर का हो, यानी कि एक बड़ी वाली कंपनी हो जिसमें अगर कोई भी कुछ भी हुआ, मार्केट में उथल पुथल हुआ, तो ये जो है ना वो एकदम स्टेबल रहते, ये हिलते डुलते नहीं है, 1 से 2% का ही लॉस रिटर्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे
पैसा आपका सेफ रहता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एवरेज रिस्क हमको क्या देखने को मिलता है। रिस्क का मतलब ये कि आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कितना तेजी से बढ़ सकता है और मार्केट में कुछ हुआ तो वो कितना तेजी से डाउन जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ना आपको लो रिस्क देखने को मिलता है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि एकाएक बढ़ जाएगा, नहीं बल्कि धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा। अगर मार्केट में जैसे अभी कोविड आया था जो कि कोरोना वायरस, उसमें देखे होंगे मार्केट काफी डाउन गया था, तो ये उस वक्त भी सर्वाइव कर रहा था, ये बहुत कम लॉस लोगों को दिया था। अगर आप मिड कैप को स्मॉल कैप को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा टूट गए थे, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ पे आपको लो रिस्क देखने को मिलता है लेकिन रिटर्न आपको अच्छे मिलते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ एवरेज रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप मिड कैप के जितना तो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनी जो है बहुत ग्रोथ कर चुकी है, अब इसकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे हो रही है। तो यहाँ पे ना आपको 12% का रिटर्न्स देखने को मिलता है और ये रिटर्न्स आपको एनुअल रिटर्न्स देखने को मिलता है, यानी कि सालाना रिटर्न्स। हर साल के अगर हम एक एवरेज डाटा देखें, आज से 10 साल 15 साल पीछे जा करके हम देखें कि अब तक कितना रिटर्न्स में लार्ज कैप बना करके दिए हैं, तो ये आपको एवरेज रिटर्न्स जो है वो हर एक साल का 12% बना करके दिए हैं। प्लस यहाँ पे आपको कंपाउंड भी देखने को मिलता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा, यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन भी करेंगे, उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आपका पैसा 12% से ग्रो करता है और कंपाउंडिंग कैसे उसके अंदर में काम करता है, सभी चीज मैं आपको बताऊंगा, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पे दो चीज की तरह से आपके पैसे बढ़ते हैं, एक है 12% रिटर्न जो कि एक एवरेज रिटर्न है, कोई खराब से भी खराब परफॉर्मेंस करता है तो 12% के आसपास का रिटर्न जो है वो आपको हर साल का बना करके देता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एवरेज एज क्या रखा गया, कोई लिमिट नहीं है, ऐसा लार्ज कैप के अंदर में कोई लिमिट नहीं बताया गया है, लेकिन हम अपने अच्छाई के लिए अपने जरूरत के लिए एक हम एज लेकर के चलते हैं। कहा यह जाता है कि 45 ईयर से अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है तो आप लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लो रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि आप 10 साल 15 साल तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल जितनी आपकी मर्जी उतना तो करेंगे ना, तो 45 साल की अगर एज आपको हो गई है तो आप ना अब रिस्क उतना नहीं ले पाएंगे जितना रिस्क लेना चाहिए, नहीं ले पाएंगे, तो आप लार्ज कैप के अंदर में जा सकते हैं। लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ये एक हमारे एक सुविधा के लिए ये एज बताई जाती है। लेकिन अगर आप 45 से कम के हैं या फिर आप उससे 30 से कम के हैं तो आप स्मॉल कैप की तरफ या फिर आप मिड कैप की तरफ जाइए, वहाँ अच्छे रिटर्न है, वहाँ एवरेज रिटर्न आपको 15% का मिल जाएगा मिड कैप के अंदर में। और स्मॉल कैप की बात करें तो आपको 17% का एनुअल रिटर्न मिल जाते हैं, 5% का डिफरेंस है, लेकिन ये हमें यहाँ पे सेफ देखने को मिलता है। तो आप 45 साल से ज्यादा एज है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। चलिए ये तो हो गए लार्ज कैप के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपने पैसे को लार्ज कैप के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा कितना तेजी से ग्रो करेगा, कैसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। तो जैसा कि म्यूचुअल फंड का बात है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका है, एक SIP जिसमें आप हर महीने एक छोटा छोटा अमाउंट, चाहे वो 100 रुपए भी हो सकता है और 10,000 भी हो सकता है, एक छोटा छोटा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको हम SIP कहते हैं हर महीने का, और एक होता है लमसम जिसका दूसरा नाम वन टाइम है। दो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो हम यहाँ पे एक SIP का एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पे अपनी एक SIP शुरू करता है, ज्यादा अमाउंट का नहीं, एक मीडियम अमाउंट हम लेकर के चलते हैं यहाँ पे 2500। मैंने तीनों के बारे में, ये तो लार्ज कैप है, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मैंने 2500 का एग्जाम्पल लेके चला था। 2500 रुपए का आप एक मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, ठीक है, यानी कि आप हर मंथ SIP करते हैं 2500 रुपए का। अब ड्यूरेशन आपको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, इसको आप अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, यानी कि कितने दिनों तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर यहाँ पे रिटर्न की हम बात करेंगे, और रिटर्न हम इतना ही लेंगे जितना कि हमें एवरेज हमें 10 से 15 साल से बना करके मिलता जा रहा है, यानी कि 12%। तो 12% हम यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको 5 साल करना है कि 10 साल करना है कि 15 साल करना है, जितना आपकी मर्जी उतना आप कीजिए। यहाँ पे हम एक बीच का लेकर के चलते हैं, यानी कि हम लेकर चलते हैं कि 10 साल कोई व्यक्ति है जो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है। अब इस 10 साल में उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या बन जाता है, ठीक है, मतलब कि जो पैसा जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका पैसा कितना यहाँ पे लग गया है। फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि यहाँ पे हमको फाइनल वैल्यू क्या देखने को मिलता है, टोटल अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा प्रॉफिट के साथ।
तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो 10 साल में आपका 2500 रुपए से जो आपका पैसा जमा हो जाएगा वो है 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए जो है वो आपका यहाँ पे जमा हो जाएगा। और इस 3 लाख से देखिए आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा, जैसा कि आपको 12% का ही रिटर्न्स मिल रहा है, बहुत कम रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आपका फाइनल वैल्यू बन जाएगा 5,80,000 रुपए। ठीक है, 5,80,000 रुपए जो है वो आपका फाइनल वैल्यू यहाँ पे बनता है। अब देखिए ये तो एक हो गया कि 10 साल में हमें ये मिला है, लेकिन अभी हमने तो केवल इसे 12% का रिटर्न को देखा है। अगर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखना है तो आपको टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। कंपाउंडिंग जो है वो टाइम बढ़ने पे अच्छे तरीके से काम करता है। ये तो दूसरे साल से कंपाउंडिंग इसके अंदर में भी काम कर रहा है, लेकिन अगर आप और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा कंपाउंडिंग काम करता है। मान लीजिए कि आपने 10 साल इन्वेस्टमेंट किया है, इसी इन्वेस्टमेंट को आप यहाँ पे 15 साल कर देते हैं कि 15 साल हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो बन जाएगा वो है 4,50,000 रुपए। ठीक है, 4,50,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनेगा। अब देखिए कि आपको फाइनल वैल्यू कितना ज्यादा बन जाएगा इसके मुकाबले में। यहाँ पे आपका फाइनल वैल्यू बनेगा वो है 12,61,000 रुपए। 12,61,000 रुपए जो है वो आपको फाइनल वैल्यू बन जाएगा। देखिए हम कितना बढ़े हैं, हम मात्र 5 साल ही बढ़े हैं, लेकिन देखिए हमारा अमाउंट जो है वो 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है। हमें 10 लाख होना चाहिए लेकिन 12 लाख हो गए, 12,61,000 रुपए हो गए हैं। तो कंपाउंडिंग का अगर आपको पावर देखना है तो आपको और टाइम बढ़ाना है। अगर आप इसमें 5 साल और बढ़ जाएंगे तो आपका ये जो है ना ये 25 लाख रुपए हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 25 लाख रुपए हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर में परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। आपको सारी चीज मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कैसे कंपनी के अंदर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसकी रैंकिंग 1 से 100 हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,000 करोड़ हो, लो रिस्क मिलता है और 12% का आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको इससे ज्यादा भी मिल सकता है, 13 भी मिल सकता है, 14-15 भी मिल सकता है। बाकी जो भी चीज है वो मैं सारा चीज यहाँ पे आपको मैं बता दिया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई है। दोस्तों अगर ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को वारिस द फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोज को इसी तरीके से देखते रहें।